दोस्तों, अगर आप लोग भी जो है स्नैपचैट आईडी को लॉगिन कर करके जो है परेशान हो चुके हो, लेकिन आपका स्नैपचैट आईडी लॉगिन नहीं हो रहा है क्योंकि आपको जो है उसका ना तो पासवर्ड पता है, ना ही आपने जो उसमें मोबाइल नंबर डाला था, तो आपके पास ना ही मोबाइल नंबर है और ना ही ईमेल आईडी है, तो आप लोग टेंशन मत लो, बस इस वीडियो को पूरा देखना। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि विदाउट जो है मोबाइल नंबर के, विदाउट ईमेल आईडी, विदाउट पासवर्ड के आप लोग कैसे अपने स्नैपचैट अकाउंट को रिकवर कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, आप लोग बिल्कुल जो है अपने स्नैपचैट आईडी को रिकवर कर सकते हो बिना मोबाइल नंबर के, बिना ईमेल आईडी के और बिना पासवर्ड के। लेकिन कैसे, उसके लिए आपको बस इस वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा। तो वीडियो को आप लोग पूरा देखना, तभी आपके जो है समझ में आएगा। तो इसलिए दोस्तों वीडियो को आप लोग पूरा देखना, और वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं इसी तरह की वीडियोज़ और भी अपने चैनल पर लाता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों बस आपको यहाँ पर जो है एक चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, बस आपको आपकी स्नैपचैट आईडी का जो भी यूज़र नेम है वो आपको जो है पता होना चाहिए, तभी आप लोग अपने अकाउंट को रिकवर कर सकते हो। अगर आपको यूज़र नेम पता नहीं है तो आप लोग अपने किसी भी दोस्त से जो है पूछ सकते हो, जिसको आपने पहले कभी मैसेज वगैरह किया होगा अपनी स्नैपचैट आईडी से, तो वो आपको जो आपका स्नैपचैट अकाउंट का यूज़र नेम बता देगा। तो आपको बस यूज़र नेम आपको पता होना चाहिए। तो मुझे तो अपना यूज़र नेम पता है। तो आपको दोस्तों, आपको यहाँ पर क्या करना है, अपने अकाउंट को रिकवर करने के लिए आपको सिंपली से जो है गूगल को ओपन कर लेना है। तो यहाँ पर मैं गूगल को ओपन कर लेता हूँ, तो वीडियो को आप लोग पूरा देखना, पूरा जो प्रोसेस बताऊँगा उसी से आपको आपका अकाउंट रिकवर करना है। तो उसके बाद आपको गूगल को ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको सर्च करना है दोस्तों, यहाँ पर आपको सर्च करना है स्नैपचैट टीम सपोर्ट। ये आपको यहाँ पर जो है सर्च करना है स्नैपचैट टीम सपोर्ट। तो यहाँ पर जो मैं सर्च कर लेता हूँ, अब जैसे आप लोग यहाँ पर सर्च करोगे स्नैपचैट टीम सपोर्ट, तो आपके सामने यहाँ पर जो है कुछ इस तरह की एक वेबसाइट आएगी स्नैपचैट सपोर्ट के नाम से। तो आपको यहाँ पर जो है इस वेबसाइट पर आपको यहाँ पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर जो मैंने क्लिक कर दिया, अब जैसे आप लोग यहाँ पर क्लिक करोगे तो दोस्तों आपके सामने स्नैपचैट टीम सपोर्ट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो यहाँ पर आ जाएगी। अब दोस्तों आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आपको नीचे का ऑप्शन दिखाई दे रहा है कॉन्टैक्ट अस का, तो आपको जो है कॉन्टैक्ट अस पर आपको क्लिक करना है। अब दोस्तों आपको यहाँ पर जो है काफ़ी सारे ऑप्शन दिखाई देंगे। अब दोस्तों आपको यहाँ पर क्या करना है कि आपको जो भी प्रॉब्लम आ रही है वो प्रॉब्लम आपको जो है अपनी स्नैपचैट टीम को बताना है कि मुझे जो है ये प्रॉब्लम आ रही है। तो हमें तो ये प्रॉब्लम ये आ रही है कि हमारा अकाउंट हमें रिकवर करना है, क्योंकि हमारे पास ना ही जो है पासवर्ड है हमारे अकाउंट का, ना ही जो है हमने उसमें जो है मोबाइल नंबर डाला था, तो ना ही हमारे पास मोबाइल नंबर है, ना ही ईमेल आईडी वगैरह है। तो आपको यहाँ पर जो सेकंड नंबर का ऑप्शन दिखाई दे रहा है आई कैन नॉट एक्सेस माई अकाउंट, इस वाले ऑप्शन पर आपको दोस्तों क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने नीचे काफ़ी सारे ऑप्शन आएंगे, तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है आई फॉरगेट माई पासवर्ड का, कि मैं अपना पासवर्ड जो है बदलना चाहता हूँ। तो आप लोग पासवर्ड बदल के अपने अकाउंट को रिकवर कर सकते हो। तो आपको आई फॉरगेट माई पासवर्ड वाले ऑप्शन पर आपको यहाँ पर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों आपके सामने नीचे काफ़ी सारे ऑप्शन आएंगे, तो आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना है। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है यस का, तो आपको जो है यस पर आपको यहाँ पर क्लिक करना है। अब जैसे आप लोग यहाँ पर जो है दोस्तों यस पर आप लोग क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर करना है, तो आपके सामने यहाँ पर जो है कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। अब दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको जो है सबसे पहले यहाँ पर आपको आपके स्नैपचैट आईडी का यूज़र नेम डालना है, जो भी यूज़र नेम है वो आपको यहाँ पर डालना है। उसके बाद आपको ईमेल आईडी डालना है, उसके बाद आपको मोबाइल नंबर डालना है, उसके बाद आपको यहाँ पर मैसेज में जो है स्नैपचैट टीम को बताना है कि आपको जो भी प्रॉब्लम है वो आपको यहाँ पर जो बताना है। तो यहाँ पर जो मैं फटाफट अपना मोबाइल नंबर, यूज़र नेम और पासवर्ड यहाँ पर जो है डाल देता हूँ। अब आपको यहाँ पर दोस्तों मोबाइल नंबर में ध्यान रहे कि आपको मोबाइल नंबर आपको अपनी कंट्री कोड के साथ डालना है, मतलब आपको पहले आपको अपनी मोबाइल अपनी हमारी कंट्री का कोड है +91 इंडिया का, तो आपको पहले +91 लिखना है, उसके बाद यहाँ पर आपको आपका मोबाइल नंबर डालना है। तो यहाँ पर मैं फटाफट यूज़र नेम, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर यहाँ पर जो है डाल देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर जो मैंने अपनी स्नैपचैट आईडी का जो भी यूज़र नेम था वो यहाँ पर डाल दिया। उसके बाद आपको यहाँ पर कोई भी आपका एक ईमेल आईडी डाल देना, जिससे कि जो स्नैपचैट टीम है वो आपसे कॉन्टैक्ट कर पाए। तो यहाँ पर जो मैंने ईमेल आईडी डाल दी, उसके बाद यहाँ पर आपको आपका मोबाइल नंबर डालना है कंट्री कोड के साथ। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो मैंने कंट्री कोड डाला है +91 पर आगे, तो आपको भी अपनी आपकी जो भी कंट्री है उसका कोड लगा के यहाँ पर आपको आपका मोबाइल नंबर डालना है। उसके बाद आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आपको एक मैसेज लिखना है स्नैपचैट टीम को, आपको यहाँ पर बताना है आपको जो भी प्रॉब्लम है। क्या लिखना है वो मैं यहाँ पर जो लिख रहा हूँ वही आपको लिखना है। तो आपको यहाँ पर लिखना है दोस्तों हाई डियर स्नैपचैट टीम, आई हैव फॉरगेटन माई स्नैपचैट अकाउंट, प्रोवाइड पासवर्ड एज आई हैव फॉरगेटेड ईमेल एड्रेस एंड फोन नंबर विच वॉज लिंक्ड सो अनेबल टू रीसेट एज वेल एज, कुछ इस तरह से यहाँ पर जो मैंने लिखा, मतलब यहाँ पर आपको स्नैपचैट टीम को बताना है कि मैं अपना अकाउंट को रिकवर करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे जो है मेरा अकाउंट का पासवर्ड वगैरह याद नहीं है, तो मैंने उसमें जो मोबाइल नंबर डाला था वो भी मुझे पता नहीं है, या फिर मैंने डाला नहीं था, तो मेरे पास जो है ना ही मोबाइल नंबर है ना ही ईमेल आईडी है, कुछ इस तरह से डालना है। यहाँ पर मैंने जो भी लिखा है ये सारा कुछ लिखा हुआ आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप लोग जाकर इसको कॉपी पेस्ट कर सकते हो। इतना लिखने के बाद यहाँ पर आपको आपका ईमेल आईडी दे देना है, जिससे कि जो स्नैपचैट टीम है वो आपसे कॉन्टैक्ट कर पाए। तो यहाँ पर मैंने जो भी लिखा है ये सारा कुछ आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ मिलेगा, तो आप लोग कॉपी पेस्ट कर लेना, बस ईमेल आईडी को चेंज कर लेना।
पर जो है इतना सब कुछ करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है सेंड का, तो आपको जो है सेंड पर आपको यहाँ पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का कैप्चा आएगा, तो आपको इस कैप्चा को यहाँ पर जो है भर लेना है। यहाँ पर मैं आपको जो है भर देता हूँ, तो यहाँ पर मैंने कैप्चा को जो है फिल कर लेता हूँ यहाँ पर फटाफट। तो आपके सामने भी कुछ इस तरह का जो है दोस्तों कैप्चा आएगा, तो आपको उसको जो है भर लेना है। तो दोस्तों यहाँ पर जो मैंने कैप्चा फिल कर दिया, उसके यहाँ पर जो है आपके स्नैपचैट अकाउंट को रिकवर करने की जो रिक्वेस्ट है वो यहाँ पर जो है स्नैपचैट टीम के पास जो है सेंड हो चुकी है। अब दोस्तों आपको यहाँ पर जो है कुछ नहीं करना है, यहाँ पर जो है 12 या फिर जो है 24 घंटे के बाद या फिर एक दो दिन के बाद आपके पास जो है स्नैपचैट टीम की जो है तरफ से एक ईमेल आएगा, मेल आएगा आपकी ईमेल आईडी पर, जो भी आपने यहाँ पर ईमेल आईडी दी होगी उसी ईमेल आईडी पर आपके पास मेल आएगा, और उसमें जो है स्नैपचैट अकाउंट को रिकवर करने की आपके पास एक लिंक भेजेगा स्नैपचैट। और उसके बाद दोस्तों आप लोग वहाँ से आप लोग अपने पासवर्ड को चेंज करके, स्नैपचैट आईडी का पासवर्ड को चेंज करके अपनी आईडी को जो है रिकवर कर पाओगे। तो इस तरह से दोस्तों आप लोग अपने स्नैपचैट अकाउंट को रिकवर कर सकते हो विदाउट मोबाइल नंबर, विदाउट पासवर्ड के। तो हाँ, ये ओके आपको जो है सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके बता देना। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।